आपको ये क्वेश्चन दिया गया है y इक्वल टू जो भी दिया गया है, ठीक है, इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक। तो पहले नजर में अगर आपको मान लीजिए कोई स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब इसको दो तरीके से आप अप्रोच कर सकते हो। पहला है चेन रूल, वेरी कॉम्प्लिकेटेड। दूसरा क्या है आपका, पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए एक सूटेबल सब्स्टिट्यूशन से, और जब सिस्टम सिंप्लीफाई हो जाए तब डिफ्रेंशिएट करिए, है ना। तो पहला वाला तो हम लोग करेंगे नहीं, ठीक। दूसरा वाला ही हम बता रहे हैं आपको। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या करना है, मतलब थोड़ी सी आपको आइडेंटिटी के बारे में पता होना चाहिए। तो एक लिस्ट होती है जिसे आप देख सकते हो। खैर, यहाँ पे हमें जो पता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या होता है ये, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है आपका sin 2 थीटा का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, लेट x इक्वल्स टू tan थीटा, तो ये y जो है सिंप्लीफाई होके हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये हमने कहा था sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो cos इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा हो गया, ठीक, ये आ गया। अब इधर cos इनवर्स है और यहां पर आपका क्या है, sin है। अब ये कटेगा तो है नहीं, cos इनवर्स ऑफ cos आता तब हम लोग इसे x लिख देते या जो भी अंदर है वो लिख देते, यहां पे प्रॉब्लम है। तो कोई बहुत बड़ी डील तो है नहीं, हमेशा ये कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप से एसोसिएट होते हैं। तो साइन को हम क्या कर दे, cos 90 माइनस थीटा, ताकि cos इनवर्स ऑफ cos आपका अपियर हो सके। तो साइन को हम जानते हैं आइडेंटिटी कि साइन थीटा कुड बी रिटेन, या साइन x कुड बी रिटेन एज ए, क्या होता है, या साइन अल्फा ले लीजिए, साइन अल्फा कुड बी रिटेन एज ए cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस अल्फा, ठीक है। तो फेस चेंज हो जाएगा, साइन की जगह पे हम cos चाहते थे, cos हमें मिल जाएगा, अल्फा की जगह पे हमारा क्या है, 2 थीटा है। तो ये हमारा हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ cos, कितना हो जाएगा आपका cos इनवर्स ऑफ cos पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ठीक है। तो ये आपका अब cos इनवर्स ऑफ cos आ गया, तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, cos इनवर्स ऑफ cos थीटा लिख सकते हैं, मतलब ये हो जाएगा आपका पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। लेकिन ये स्टेप बहुत डेंजरस है, अगर आप कंपटीशन का अप्रोच कर रहे हैं, कंपटीशन की तरफ अप्रोच कर रहे हो, तो ये डिसीजन मेकिंग स्टेप होता है, और यहां पे आपको हमेशा अलाउड नहीं होता है कि पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा लिख पाओ। जब कंपटीशन के क्वेश्चंस होंगे तो वहां पे यहां सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखिए यहां पे हम जो ये रिस्ट्रिक्शन दी गई है आपको, ये रिस्ट्रिक्शन इसीलिए दी गई थी क्वेश्चन की क्लैरिटी के लिए कि आप लिख पाओ, लेकिन जब बोर्ड के क्वेश्चन करते हैं तो आपको इसकी कोई इंपॉर्टेंस नजर नहीं आती है, और कुछ लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि वो दिया क्यों है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। यहां पे देखिए एक्स कहां से कहां लाई कर रहा है आपका, एक्स माइनस वन से वन लाई कर रहा है। तो एक्स क्या है आपका, से ये इक्वेशन नंबर वन है और इक्वेशन नंबर टू, तो इक्वेशन नंबर टू से हम कहेंगे कि एक्स जो है टेन थीटा के इक्वल है। तो अगर हम ग्राफ की बात करें, ठीक है, यहां पे वाई एक्सिस पे हम एक्स को ले लेते हैं और एक्स एक्सिस पे किसको ले लेते हैं, टेन थीटा को ले लेते हैं, और टेन थीटा का ग्राफ देखते हैं। जो टेन थीटा का ग्राफ होता है ये इंक्रीजिंग होता है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, जो ये आपकी वैल्यू आएगी पाई बाई टू, ठीक है, ये थीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस पाई बाई टू। ये एसिम्प्टोटिक लाइन बोली जाती है, ये एसिम्प्टोट है, मतलब ये टच करने की कोशिश करेगा लेकिन कर नहीं पाएगा, है ना। इसी तरह से या इनफाइनाइट पे टेंजेंट है, ऐसे भी बोल सकते हैं, एसिम्प्टोट की डेफिनेशन होती है, खैर नाम में कुछ नहीं रखा है, दैट इज इक्वल टू पाई बाई टू। तो ये आपका ग्राफ हमने माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ड्रॉ कर दिया, लेकिन सोचिए एक्स क्या है, एक्स माइनस वन से वन है, ठीक है। एक्स माइनस वन से वन होने का मतलब
x माइनस वन से वन होने का मतलब है कि यहां पे कहीं वन होगा, ठीक है, और यहां पे कहीं आपका क्या होगा, माइनस वन होगा। तो यहां से हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, दोनों जगह से वन से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और आपका माइनस वन से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इन दोनों लाइन ने जो आपका ग्राफ था दो जगह पे कट किया, एक यहां पे कट किया, तो इसके करेस्पॉन्डिंग जो थीटा होगा आपका ये टेन इनवर्स वन, मतलब टेन थीटा वन कब होता है, पाई बाई फोर पे या 45 डिग्री पे हम लोग कह लें। अच्छा माइनस वन कब होता है, यहां पे ग्राफ मीट किया था, माइनस वन कब होता है, तो आपको चूंकि ये क्या है ऑड फंक्शन है तो इधर पाई बाई फोर पे हो रहा है, तो यह माइनस पाई बाई फोर पे होगा ना, माइनस 45 डिग्री पे। तो आप ये देख रहे हो यहां से क्या कंक्लूजन क्या मिला हमें कि वेन एवर एक्स लाइज बिटवीन माइनस वन से वन, एक्स अगर माइनस वन से वन लाई कर रहा है तो जो आपका थीटा है वो लाई कर रहा है माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर, मतलब माइनस 45 से प्लस 45 डिग्री, ठीक है। और यहां पे आपका क्या है, अगर इसमें हम क्या करें टू से मल्टीप्लाई कर दें या माइनस टू से मल्टीप्लाई कर दें, तो अगर माइनस टू से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस टू, ठीक है, माइनस टू इंटू पाई माइनस पाई बाई फोर। अब जब भी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, ये आपको इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। तो हमने निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, तो माइनस टू पाई बाई आपका आ गया फोर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो हटा दिया माइनस, टू से टू टू से फोर कैंसिल होगा, क्या आ जाएगा आपका नीचे टू आ जाएगा, तो ये पाई बाई टू आ गया, ठीक है। यहां से हटा देते हैं, ये भी कट के आपका माइनस पाई बाई टू आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका माइनस टू थीटा हुआ। अब पाई बाई टू ऐड कर दीजिए आप, जब पाई बाई टू ऐड कर दोगे आप तो क्या होगा, पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, दैट इज पाई बाई टू माइनस टू थीटा ग्रेटर देन आपका क्या आ गया जीरो। मतलब ये चीज क्या आ गई आपकी, ये आ गई आपकी दैट कुड बी रिटेन एज ए जीरो, उधर पाई आ गया एंड ग्रेटर देन जो भी आपका है ये पाई बाई टू माइनस टू थीटा और ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, ये पाई बाई टू माइनस टू थीटा। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट है। और रिस्ट्रिक्शन यहां पे क्या थी, देखिए कॉस इनवर्स ऑफ कॉस, एक्स को एक्स तभी लिख सकते हो जब एक्स कॉस इनवर्स के रेंज में आए, ठीक है, और कॉस इनवर्स का रेंज, कॉस इनवर्स का ग्राफ, ठीक है, बहुत सारे ग्राफ की बात कर रहे हैं हम, है ना, तो ये थोड़ा सा कंपटीशन की तरफ रहोगे तो आपको आसान रहेगा, चीजें जानते रहोगे। तो ये पाई हो गया, ये जीरो हो गया, ये कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ है, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ है, ठीक है। तो देखिए इसका रेंज कितना है, रेंज आपका है जीरो से पाई, और यहां पे आपको जो ये वैल्यू आ रही है ये भी जीरो से पाई आ रही है, मतलब यहां पे अलाउड है, यहां पे लिख सकते हो। कंपटीशन में क्वेश्चन यहीं पे घुमाया जाता है, ठीक है, यहीं पे आपको डिच किया जाता है, यहां पे आपको अलर्ट रहना पड़ता है। खैर अगर आप कंपटीशन का अप्रोच नहीं कर रहे हो तो इस डिस्कशन का कोई मतलब आपके लिए नहीं है, ठीक है, कोई जरूरी भी नहीं है, हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे सिर्फ। तो नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये इक्वेशन नंबर थ्री हो गया। अच्छा पहले तो हम थीटा यहां से क्या था आपका, यहां से आपका हो जाएगा दैट इंप्लाइज थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स, तो यहां से वाई और सिंप्लीफाई हो गया, क्या हो जाएगा, वाई इक्वल्स टू पाई बाई टू माइनस टू टेन इनवर्स एक्स। अब डिफरेंशिएटिंग, ये इक्वेशन थ्री हो गई है ना, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई दैट इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ होल थिंग माइनस टू टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, पाई बाई टू है ये, पाई बाई टू, तो अलग अलग कर लीजिए डिफ्रेंसिएशन, एलजेब्रा लग जाएगी, तो डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई टू माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ टू टाइम्स टेन इनवर्स एक्स, क्या हो जाएगा, ये तो कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है पाई बाई टू, है ना, 3.14 होती है, तो दैट इज जीरो, माइनस टू बाहर आ जाएगा और डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा आपका टेन इनवर्स एक्स,
फिर से ये आपको स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो ये आपको मेमोराइज होना चाहिए। टेन इनवर्स का कितना होता है, 1/1 + x², ये -2 हो गया, तो फाइनली क्या आ गया आपका, -2/1 + x², दैट इज योर फाइनल dy/dx। तो डिफ्रेंशिएशन तो आसान है, ठीक है, काफी आसान है, बस आपको एक पर्टिकुलर क्या स्ट्राइक करना चाहिए, क्या स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है ना, वो स्ट्राइक करना चाहिए, अदरवाइज डिफरेंशिएशन काफी आसान है, अगर वो चीज आपको स्ट्राइक कर गई तो, ठीक है। लेकिन कंपटीशन के लिए ये चीज आपको थोड़ी सी हर्डल करेगी कि ये लिख सकते हैं यहां से यहां तक, ये स्टेप आपके लिए डेंजरस हो सकता है कंपटीशन के लिए, तो हमेशा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, ठीक है।